नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर अजय सोनी है। मैं सर्जन, जनरल सर्जन और बोन स्पेशलिस्ट हूँ। पहले भी मैं आप लोगों से एक बार मुलाकात कर चुका हूँ और बताया था जले हुए मरीजों के बारे में क्या समस्याएं होती है क्या नहीं। तो इस बार दोबारा मैं आपको कुछ चीज़ों से अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि बर्न्स एक ऐसी समस्या है जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर आती है। किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि सड़क के बाद जो एक्सीडेंट होते हैं उसके बाद बर्न्स जो है जल जाना किसी का, वो दूसरे नंबर पर आता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जलना है क्या, जलने से होता क्या। जलने से बड़ी आम सी धारणा है जी हमारी, सिर्फ ये चमड़ी, थोड़ी सी चमड़ी तो जली है, मगर लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि इसकी वजह से सारे ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं। वो सब मैं डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा कि क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, मगर लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके कॉजेज क्या हैं, इसका किन वजहों से जलना होता है। देखिए, हम रहते हैं उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा वगैरह, ये सब हमारे पास चार सीजन्स होते हैं। साउथ इंडिया में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर लगभग एक जैसा ही मौसम रहता है। हमारे यहाँ सर्दियाँ, गर्मियाँ, बारिशें और इस तरह के मौसम बदलते रहते हैं, तो हर मौसम में इनका ट्रीटमेंट भी अलग हो जाता है। पर लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि हर सीजन में भी बर्न्स अलग अलग होते हैं। जैसे बारिशों का सीजन है, बारिशों के सीजन में करंट लगने की संभावना ज़्यादा होती है, तो उसके लिए हमें बचाव करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि गीली छत पे तारे नंगी होती हैं। हिंदुस्तान में जाल ऐसा फैला हुआ है तारों का, तो चप्पल रबड़ की पहन के रखें, उसमें ना जाएं, ध्यान रखें, पतंग उड़ाएं, बच्चों को तो देखें तारों के ऊपर से तो नहीं जा रही गई, हाई टेंशन बोर्ड के ऊपर से तो नहीं जा रही। तो ये जो बर्न्स हो गए, ये हो गए आपके इलेक्ट्रिक बर्न्स, जो कि बिजली के करंट लगने से ज़्यादातर बारिशों के सीज़न में होते हैं, ज़्यादातर ये ज़्यादा मिलते हैं सीज़न में। अब बात करें कि हम जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो सर्दियों के मौसम में अब ज़्यादातर क्या होता है, सुबह सुबह लाइट गई होती है, स्कूल जाने का टाइम होता है, बच्चों को तैयार करना होता है, लोग पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करके रखते हैं सुबह सुबह, तो जल्दबाजी में कभी उसको नाश्ता भी देना है, उसको तैयार भी करना है, तो गर्म पतीला उठा के बाल्टी में डाल के रख जाते हैं, उसमें ठंडा पानी मिलाना भूल जाते हैं, कोई बच्चा छोटा है अगर वो फिसल के गिर गया बाल्टी के अंदर, इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और यही जो सर्दियों का मौसम आ रहा है, इसमें दिवाली है, दिवाली आएगी तो पटाखे चलाएंगे बच्चे, पटाखे चलाएंगे तो दिवाली वाले दिन तो अक्सर इतनी दुर्घटनाएं नहीं होती हैं, पहले होती थी, अब कम हो गई है, मगर लेकिन फिर भी होती हैं। मगर दिवाली वाले दिन दुर्घटना इसलिए कम होने के चांसेस हैं क्योंकि बड़े लोग साथ में होते हैं बच्चों के, वो ध्यान रख रहे होते हैं, मगर अगले दिन जब वो चले जाते हैं, घर में नहीं होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, जो बचे हुए पटाखे होते हैं उनका बारूद निकाल के कागज में डाल के उसको जलाने की कोशिश करते हैं, तो कई बार वो इतना करीब से जलाते हैं कि वो ब्लास्ट हो जाता है और आग लग जाती है, उनको पता भी नहीं चलता। तो ज्यादातर जो केसेस एक्सीडेंट के होते हैं वो दिवाली से दो चार दिन पहले या दो चार दिन बाद होते हैं। तो आपको दो चार दिन बाद ये ध्यान रखना है कि घर में जो पटाखे बच गए हैं, जो फूस हो गए हैं, उसको पानी की बाल्टी में डाल दें, मत रखें। और दिवाली मनाते हुए समय देखिए, अच्छा त्यौहार है, सबको मनाना चाहिए, मगर उसमें आपको एक बाल्टी या दो बाल्टी पानी की हमेशा पटाखों के साथ रख लीजिए, ताकि अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो तो जलने पे, हम हमेशा बोलते हैं जलने पे ठंडा पानी डालें। ठंडा पानी इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे उत्तरी भारत में नलके में गर्मी में इतना गर्म पानी आता है कि आप वो डालोगे तो और ज़्यादा नुकसान पहुँचा देगा, इसलिए हम बोलते हैं ठंडा पानी। ठंडा पानी मतलब फ्रिज का जो नॉर्मल पानी है वो, मगर लेकिन बर्फ़ ना लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि बर्फ़ लगाने से जो है ब्लड सप्लाई डिले हो जाती है और हीलिंग जो है वो भी डिले धीरे हो जाएगी। तो ये तो है, ये बच्चों के लिए खासकर मैं बोलना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान में एक संदेश भी देना चाहता हूँ, जैसे क्योंकि गांव बहुत हैं हिंदुस्तान में, गांवों में क्या है, हारा होता है, नीचे रसोईयां जो है ज़मीन पे होती हैं, अब दूध गर्म करके क्या है नीचे रख देते हैं, नीचे रख देने से दूध क्या है, बच्चे खेल रहे हैं आंगन में, भाग रहे हैं, किसी ने धक्का दे दिया, कुछ कर दिया, तो बच्चा गलती से गर्म गर्म दूध के पतीले में या हारे में गिर जाता है। उसका बचाने का एक बहुत आसान रास्ता ये है कि आपकी जो नीचे रसोई भी बनी हुई है, या तो कोशिश करके स्लैब बनाएं, स्लैब के ऊपर रख दें, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आपको बहुत आसान रास्ता है कि उसके चारों तरफ एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा बना दें कि छोटे बच्चे जो रेड़ने वाले हैं वो उसके पार ना जा सके और अंदर ना जा सके, उससे हम इसको बचाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ये देखनी है कि अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जलने से पहले कि मैंने बताया कि आपको कैसे एहतियात रखनी है और जलने के बाद क्या एहतियात रखने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे फर्ज करो घर में आप काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, गलती से गर्म चाय गिर गई पूरे हाथ के ऊपर, तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, आप आधे घंटे तक उसको पानी में डाल के रखें या ठंडे पानी में या उसमें डाल के रखें, उसके बाद आप हॉस्पिटल जाएं। जब तक जलन समाप्त ना हो जाए तब तक आप उसको घर में ठंडे पानी में रख के इंतजार कर सकते हैं। हाँ, और उसके बाद क्या है, लोग कहते हैं कि छाला पड़ गया, छाला पड़ना बुरी बात नहीं होती, क्योंकि अगर छाला नहीं पड़ा
तो हो सकता है बहुत ज्यादा गहरा जल गया, जैसे तवा है या कुकर है या सैलेंसर से जैसे जलते हैं जो मरीज, मोटरसाइकिल का सैलेंसर लग गया तो वो उनको दर्द ही नहीं होता, 3 दिन तक उनको पता ही नहीं चलता कि भी कुछ सोचते हैं थोड़ा सा तो जला है, 3 दिन बाद जो है उनको दर्द शुरू होता है और वो दर्द के बाद फिर हमारे पास आते हैं, तब तक इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है 3rd डे। तो 3 दिन तक इन्फेक्शन स्टार्ट है तो कोई भी जला हो, चाहे इतना सा जला हो चाहे कितना भी जला हो, आप जरूर हॉस्पिटल जाएं, जाके दिखाएं एक बार, सलाह ले लें, अगर वो कम जला है तो कोई बात नहीं, आप घर पे आके दवाई ले लीजिएगा या मलम लगा लीजिएगा, परंतु अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया तो वो फिर आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा, आपको 20 दिन 25 दिन 35 दिन लग जाएंगे, जो चीज़ 7 दिन में ठीक हो सकती है उसके लिए। तो इस तरह से जो है हम जले हुए मरीज, अब जो है ये हमारा जो शरीर है पूरा, ये इसको हम 100% मानते हैं, तो आम आदमी को समझाने के लिए रूल ऑफ 9 बोलते हैं, रूल ऑफ 9 जो है नॉर्मल डॉक्टर्स जो है वो फॉलो करते हैं, और उसमें ये होता है कि भी जैसे हाथ है ये 9% हो गया, ये पूरा हाथ 9% हो गया, छाती आगे 9 से 18% हो गई, सर 9% हो गया, इस तरह से सब हिस्सों को 9 में डिवाइड कर दिया, जो लिंग है जेनिटली एरिया है उसको हम 1% मानते हैं, जब हम सारा टोटल करते हैं तो वो 100% होता है। यदि कोई व्यक्ति 30% से ज़्यादा जल गया है तो जान को खतरा हो जाता है, और यदि कोई बच्चा 20% से ज़्यादा जल गया है तो जान को खतरा हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि लोग बोल देते हैं देसी इलाज करा लो, जी वैद्य के पास चले जाओ, नहीं, आज आदमी चांद पे पहुंच गया, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को जरूरत है ऐसे देसी वैद्य वगैरह के पास जाने की, जिनको ये नहीं पता हार्ट कहाँ पे, किडनी कहाँ पे, लंग्स कहाँ है, दिमाग कहाँ है, फेफड़े कहाँ है, तो वो ऑर्गन सारे इफेक्ट हो जाते हैं जलने के बाद, तो वो तो सिर्फ चमड़ी पे लेप लगा रहे हैं, वो ट्रीटमेंट नहीं होता एक्चुअली। तो ये है, ये रूल ऑफ 9 मैंने आपको बताया, इसके साथ जो है एक्चुअल जो हमारा हम यूज करते हैं वो ये है चार्ट, इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन आती है, अगर आप इस पे फोकस करके दिखाएं, ठीक है, तो इसमें जो है एग्जैक्ट कैलकुलेशन आती है कि कितना कितनी उम्र का व्यक्ति है, कितने कौन कौन सा एरिया जला हुआ, तो ये हमारा एग्जैक्ट चार्ट है, इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती है जो कि हम लोग कर सकते हैं। बाकी रूल ऑफ 9 एक जनरल ये होता है कि उसमें ये है कि नुकसान नहीं होता, और एक जला हुआ मरीज ऐसा होता है जैसे पानी की टंकी के नीचे छेद कर दो, जितनी स्पीड से टंकी खाली हो रही होती है उतनी स्पीड से भरनी होती है, अगर आपने उसको ज्यादा स्पीड से भरा तो ओवरफ्लो हो जाएगी, ओवरफ्लो होने का मतलब कि वो पानी कहाँ जाएगा, फेफड़ों में, आदमी को सांस नहीं आएगा, वो खत्म। और यदि अगर आप उस टंकी को पानी को कम स्पीड से भर रहे हो तो क्या होगा, गुर्दों पे असर आ जाएगा, गुर्दे काम नहीं करेंगे तो आदमी खत्म। तो कई चीजें बड़ी ध्यान से देख के करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं होता इन चीजों का इलाज करना, परंतु ये है कि ध्यान रखें, सेफ रहें, खुश रहें, दिवाली भी मनाएं, होली भी मनाएं। अब होली पे भी ये प्रॉब्लम आती है, होली पे क्या है लोग थोड़ा मस्ती में होते हैं, खा पी लेते हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, गिर रहे हैं, सैलेंसर गिर गया ऊपर, या अभी मैं बता रहा था जैसे दिवाली आ रही है तो शादियों का भी सीजन होता है, उसमें भी ये होता है कि जैसे मिठाइयाँ बन रही हैं, लोग वो बन रहा है, पहले टाइम में तो बनती थी, अब तो होटलों वगैरह में सब कुछ तैयार होकर आता है, मगर गाँवों में अभी भी प्रचलन है, तो लोग क्या है बच्चे भाग रहे हैं इधर से उधर, तेल चढ़ा हुआ कढ़ाई में, कुछ और है, ध्यान नहीं है, तो उस समय पर ध्यान रखना आप बहुत आवश्यक है। तो सेफ रहें और खुश रहें, बस यही मेरा संदेश है आप लोगों को। हाँ, दो बातें बतानी मैं जरूरी समझता हूँ यहाँ पे, कि एक तो मरीज जैसे 30% से ज़्यादा जल गया आग से, तो ज़्यादा देर पानी ना डालें, पानी डाल के आग बुझा के उसको कंबल से लपेट के और हॉस्पिटल तुरंत से तुरंत शिफ्ट कराएं, और उसको उस दौरान पानी पीने को नहीं देना, क्योंकि जलने के बाद क्या होता है आंत रुक जाती है, एक बार तो अगर आपने पानी पिलाया तो वो उल्टी के रास्ते आके सांस में चला जाएगा, जिसके लिए मरीज को पानी रास्ते में ट्रांसफर करते हैं, जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाता तब तक नहीं देना होता। और यदि ड्रिप स्टार्ट कर दिए तो सबसे अच्छा है कि पास के किसी डॉक्टर के पास ले जाएं, उससे तुरंत ड्रिप स्टार्ट करवा के रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल सलाइन कोई भी सॉल्यूशन जो मिलता है वो स्टार्ट करवा के और फिर उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कराएं, यदि हॉस्पिटल दूर है तो। और दूसरा ये था कि जो बिजली के करंट से चलते हैं उन पे पानी नहीं डालते, बस ये बातें दो जो है ये ध्यान रखने की। कंपेरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।